आज लगाया मैंने बहुत दिनों बाद, मेरे हेलमेट में कैमरा। काफी कमेंट आ रहे थे कि भैया आपका गोप्रो कहाँ गया, गोप्रो गया कहीं भी नहीं था भाई। मैं बिना हेलमेट में लगाए काम कर रहा था, शूट गोप्रो से ही कर रहा था, लेकिन मैंने हेलमेट में नहीं लगा रखा था। तो आज हेलमेट में फाइनली गोप्रो लगा लिया है। मैंने बता रखा है पहले भी, हेलमेट में थोड़ी दिक्कत थी ना, तो लगाता हूँ तो सिर दर्द होता है, तो मैंने थोड़ा बहुत हेलमेट में चेंज वेंज कराया, पैड वैड चेंज किया है। इसका माइक का भी सिस्टम क्या है, माइक क्या है, सेल वाला है, तो सेल वाला माइक लगाओ ना तो सेल चुभता है सिर में, तो दर्द बहुत होता है। तो उस माइक को भी मैंने आज साइड में फ़िक्स किया, हल्का सा साइड में चुभ रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, पहले के मुकाबले काफ़ी कम्फर्टेबल हूँ मैं। तो आज है संडे, पहले देते हमारा इंट्रो। इंट्रो यार बिना फेस के कैसा लगेगा। हेलो जी ग्रुप बॉनी, मैं हूँ सनी और आप देख रहे हैं रोचक द थ्री वी, और हो चुकी हमारी कोई शानदार सी वीडियो की शुरुआत। और आज संडे है और ये तिहाड़ जेल के दर्शन कर लो, गलत काम मत करना नहीं तो यहीं आओगे। संडे को हम ओला करेंगे भाई, ओला में आज हम बहुत जल्दी 1000 रुपये कमाने की कोशिश करेंगे, मतलब कम टाइम में 1000 रुपये, कितने कम टाइम में आह देखने वाली बात है। और आज मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है, प्यारा क्या ठंडा ही हो रहा है मौसम, धूप वूप कम ही है, दिख ही नहीं रही पोल्यूशन की वजह से ना, बहुत ज़्यादा दिल्ली में पोल्यूशन होता जा रहा है। आज देख लो अभी टाइम हो रहा है 12:51, लगभग 1 बज गया है, और 1 बजे कोई धूप नहीं, कोई कुछ नहीं, धुआं धुआं सा हो रहा है चारों तरफ, फॉग नहीं है ये सारा धुआं ही है। और चलो अपन ओला लॉगिन कर लेते हैं, और ओला के साथ साथ पहले अपन को क्लिकर ऐप ऑन करनी पड़ेगी, ताकि कोई ऑर्डर आए तो सबसे पहले हमारे पास। और आज संडे है ना, इसलिए मैं थोड़ा लेट निकला, क्योंकि संडे को मोस्टली फूड के ऑर्डर ज़्यादा होते हैं, और अपन तो यार शुरू से ही जोमेटो करते आए ना, तो ओला में भी अपन को फूड के ऑर्डर करने में ज़्यादा मज़े आते हैं। बाकी बाइक टैक्सी में टाइम बहुत बचता है, और मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ ना, तो बाइक टैक्सी भी मेरे को अब ठीक लगता है। पहले मैं बहुत अनकंफर्टेबल होता था बाइक टैक्सी करने में, क्योंकि यार पीछे किसी को अननोन बंदे को बिठा के ले जाओ ना, तो मुझसे गाड़ी ठीक चलती नहीं थी पहले, लेकिन अब काफ़ी टाइम से करता हूँ ना, करते करते तो ये इंसान कम्फर्टेबल हो जाता है, तो मैं भी हो गया हूँ काफ़ी हद तक। तो फिर भी मोस्टली फूड के ऑर्डर ही करेंगे अपन, बाइक टैक्सी आएगी तो सर्ज वाली राइड वो भी नहीं छोड़ेंगे अपन। तो फटाफट से लॉगिन कर लेते हैं, और सबसे पहले अपनी क्लिकर ऐप ढूंढते हैं, कहाँ है भाई क्लिकर ऐप को लॉगिन करते हैं। ये आ गया हमारा क्लिकर ऐप, इसको अनेबल करो, सेट करो यहाँ, क्योंकि अधिकतर एक्सेप्ट करने का यही ऑप्शन आता है। अब ओला लॉगिन कर लेते हैं। आ जाओ ओला जी, क्या मैसेज भेज रहे हो, 220 रुपये का डेली इंसेंटिव, कोई बात नहीं, आज हम 1000 रुपये कमा के जाएंगे बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सके। तो देखो 1 बजे हमने लॉगिन किया है, गाड़ी अभी घर से आते आते 2 किलोमीटर चली है मेरी बस, यानी कि अभी 0 ही है, 1.8 किलोमीटर। तो अब देखते हैं हमारा फर्स्ट ऑर्डर क्या आता है, बाइक टैक्सी का आता है, फूड का आता है, और ये क्लिकर ऐप से हमारा ऑर्डर एक्सेप्ट होता है या नहीं होता है, सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो अगर कोई ऑर्डर आ जाएगा अभी तो हाथों हाथ दिखाई दूंगा, नहीं तो फिर देखते हैं ऑर्डर एक्सेप्ट करके ही दिखाएंगे, क्योंकि अभी तक मैं ये क्लिकर ऐप वाला ना दिखा नहीं पाया लाइव एग्जांपल देके, इसमें कैसे ऑर्डर एक्सेप्ट होते हैं बिना फ़ोन को हाथ लगाए, बस एक बार ये प्ले बटन करना होता है, उसके बाद अपने आप ऑर्डर एक्सेप्ट हो जाता है। और काफ़ी अभी यूट्यूबर भी मैं देख रहा था जो कह रहे हैं कि यार हमारा तो, मिश्रा जी की वीडियो देख रहा था, वो कह रहे हैं यार हमारा तो एक्सेप्ट करते हैं, वो घूम जाता है। घूम क्या जाता है भाई, कोई और ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेता है। ऑटो क्लिकर डाउनलोड करो, सबने कर रखा है तो तुम क्यों नहीं कर रहे, करो भाई, गलत चीज़ है मान रहा हूँ मैं, लेकिन वैसे कंपनी के हिसाब से तो क्या ही गलत है, राइडर को कंपनी यही तो चाहती है कि हमारी राइड सबसे पहले कोई भी एक्सेप्ट कर लो, हमारा तो काम होना चाहिए, तो अपन एक्सेप्ट ही तो कर रहे हैं, एक्सेप्ट के लिए ही तो हैक है, वैसे तो कोई हैक नहीं है ना ये, तो वैसे ठीक चीज़ है, गलत नहीं है, लेकिन हाँ उनके साथ नाइंसाफ़ी है जो बेचारे इस चीज़ को यूज़ नहीं कर पा रहे। और देखो बाइक टैक्सी की राइड आ रही है रजौरी गार्डन की 4 किलोमीटर की, तो अब मैंने गो क्लिकर ऐप को लगा दिया गो क्लिकर, और ऑर्डर अपने आप एक्सेप्ट हो गया। तो भाई पहला बाइक टैक्सी का राइड एक्सेप्ट कर ली हमने, और मैं गलती आ गया, मुझे यू टर्न लेके उस साइड जाना था, रेड लाइट गलत क्रॉस कर ली, 1.5 किलोमीटर का पिकअप हो गया जो कि 1 किलोमीटर का था। तो आगे से यू टर्न लेके आते हैं, अपनी फर्स्ट बाइक टैक्सी की राइड पिक करते हैं। कहाँ हैं हमारे ओला वाले भैया, ये तो नहीं है सामने खड़े हैं, फ़ोन करके बुलाता हूँ भाई, क्योंकि लोकेशन तो यहीं की आ रही है। ये भैया घंटाघर, हेलो, हेलो, हाँ भैया ओला से बोल रहा था मैं, आपकी लोकेशन पे ही हूँ। घंटाघर ये है ना भैया, क्लॉक टावर भैया, कहाँ पे कर, अच्छा आप हैं, अच्छा पीछे है भैया, मेरे को लगा ये अंकल हैं फ़ोन लेके खड़े थे। चलो भैया पिक करें हमारी फर्स्ट राइड आज की, और हमें राइड में ना ऐसे बंदे चाहिए होते, लड़के पतले पतले से, तो भाई हेल्दी हेल्दी सवारी आती है, मैं तो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल रहता हूँ उनके साथ। बताना भैया OTP 7445।
लो भाई आज की फर्स्ट राइड एक्सेप्ट होगी, रजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन की है ये। 4.8 बैठिए भैया। हाँ हो गया, बैठिए आप। शॉर्टकट भी है क्या? हाँ 4.2 खुला है ना, फुटस्टेप खुला है। चलो इनको ड्रॉप करें फटाफट से। भाई 1.5 किलोमीटर पहले ही हमने राइड कंप्लीट कर दी क्योंकि रजौरी मेट्रो की है और ये टैगोर ही उतार रहा हूँ मैं इनको। अरे एंड हो जा भाई ट्रिप, बिल जनरेट होने में टाइम लगाता है ये ओला। जा भाई ये लीजिए, ठीक है थैंक यू। अरे थैंक यू सो मच, ठीक है भाई। लो भाई हमारा एक सब्सक्राइबर भी बढ़ गया। और भैया ने ना राजीव चौक जाना था, पिंक लाइन वाली मेट्रो की लोकेशन डाल रखी, तो मैंने बोला भाई राजीव चौक तो आप यहीं से निकल जाओ, टैगोर से ब्लू लाइन जाता है। तो कह रहे ठीक है मुझे यहीं छोड़ दो। लेकिन यार जब ये राइड आई थी 45 रुपये की थी, अब 32 की हो गई क्योंकि 1 किलोमीटर कम कर लिया। राइड में भी पैसे कम करने लग गया क्या? 2.5 किलोमीटर के 32 रुपये। सही है भाई सही है। अपना ये अपना क्या है यार, ये क्लिकर ऐप, ऑटो क्लिकर ऐप को दोबारा से एक्टिव कर लेते हैं। ये अपना डॉट आ गया, इस डॉट को बीच में रखना है भाई और इसको प्ले करना है। फूड के ऑर्डर दे दो भाई, राइड कर ली हमने, राइड में करता नहीं हूँ जल्दी से। फूड के ऑर्डर दिए जाओ, रुको जरा सबर करो, फटाफट काम करें ताकि। वैसे राइड में सही है, टाइम नहीं लगता यार। अब कितना टाइम लगा होगा, 8-9 मिनट लगे बस इस राइड को कंप्लीट करने में। और ये फूड का ऑर्डर होता तो आधा घंटा खा जाता है आराम से। लेकिन ये फूड के ऑर्डर में अर्निंग ठीक है, इंसेंटिव बढ़िया है क्योंकि यही अभी फूड वाला ऑर्डर होता है 2.5 किलोमीटर का, तो उसमें 50 रुपये मिलते हैं और राइड में 32 रुपये मिले हैं, तो ये फ़र्क है बस थोड़ा सा। तो कई बार फूड के ऑर्डर भी जल्दी मिल जाए तो जल्दी डिलीवर करते हैं। ऑर्डर रेडी होने में ही ज़्यादा टाइम लगता है, डिलीवर होने में तो 5-7 मिनट लगते हैं 2-2.5 किलोमीटर के। तो चलो कोई ऑर्डर आता है तो दिखाते हैं। अभी तो मैं सोच रहा था कोई ऑर्डर एक्सेप्ट करके लाइव ही दिखाऊं इससे ऑटो क्लिकर ऐप से फूड का, क्योंकि फूड के ऑर्डर में ही मारा मारी चल रही है। मैं एक्सेप्ट करूंगा, सारे एकदम से ऐसे उंगलियां चलाते हैं फूड के ऑर्डर के लिए, तो सब एकदम से पागल होके बैठे हैं कि हमें तो चाहिए ही चाहिए फूड का। बाइक टैक्सी पे कोई हाथ नहीं लगाता ना, तो वो मुश्किल है, उसके लिए ही तो ये ऑटो क्लिकर ऐप है। बाकी आ जाए यार कोई फूड का ऑर्डर, संडे आज तो संडे को फूड ही फूड होना चाहिए। 1:09 हो गए, हमारा फर्स्ट राइड कंप्लीट हुई है। अरे आया बाइक टैक्सी ही दे रहा है भाई, राजेंद्र प्लेस 9 किलोमीटर 58 रुपये। कौन हाथ लगाएगा ऐसी राइडों को, भग जाए से तो ऐसी राइड नहीं करते अपन भाई, जिनका रेट बढ़िया है। और राजेंद्र प्लेस की साइड में जाता भी नहीं उधर की साइड, मेरे को यही जोन सही लगता है अपना, रजौरी जनकपुरी विकासपुरी उत्तम नगर का नाम मत लेना कोई भी आज। और जोमेटो में तभी करना छोड़ दिया है उत्तम नगर की वजह से, क्योंकि जोमेटो में हर ऑर्डर उत्तम नगर भेज देता है और वहाँ पूरा दिन ख़राब हो जाता है। चलो कोई आता है तो दिखाता हूँ। बाकी पैसिफिक मॉल है सामने, यहाँ पे भी है चाइनीज़ हट, फास्ट फूड रेस्टोरेंट हैं काफ़ी यहाँ, जहाँ से मैजिक पिन के ऑर्डर बसते हैं। तो अभी तो आ जाए यार, मैं लाइव दिखाना चाह रहा था, एक ऑटो क्लिकर से एक्सेप्ट करके फूड का ऑर्डर दे दो। बाकी चलो अभी तो अपन करेंगे दिन भर काम, तो एक आध लाइव दिखा ही दूंगा एक्सेप्ट करके, ज़्यादा लंबी नहीं खींचनी वीडियो क्लिप, मेन चीज़ ही दिखाएंगे। ऑर्डर आना, एक्सेप्ट करना, पिक करना, वही सही रहता है। फालतू बकवास करने में हमारी ऑडियंस बोर हो जाएगी। ना 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 ना, ये नहीं करना भाई। ऑर्डर एक्सेप्ट करना ही भूल गया था मैंने, ऐप ऑन करी है जब ऑर्डर के लिए प्ले करा है। पश्चिम बिहार का ऑर्डर है, पोलका से 1.5 किलोमीटर का पिकअप है। आगे से भी जा सकता हूँ क्या मैं? हाँ जा तो सकता हूँ, लेकिन आगे बरात सी जा रही है कोई। तो चलो आज का फर्स्ट फूड का ऑर्डर है पोलका से। अरे वाह पाजी छागे तुसी पाजी, कैमरा देख के कह रहे हैं नाइस। और ये मैं सोच रहा था इस रेस्टोरेंट से ऑर्डर आएगा, लेकिन पोलका से बता दिया 1.5 किलोमीटर का पिकअप दे दिया। पश्चिम बिहार 76 रुपये का ऑर्डर आया है, तो चलो इस ऑर्डर को पिक करते हैं। पोलका से यार गिफ्ट के ऑर्डर बहुत आ रहे थे, कल मैंने 2 ऑर्डर लिए थे गिफ्ट वाले, वही टारगेट कंप्लीट करते हैं पोलका वाले। लेकिन आज तो ये जेन्युइन कस्टमर का ही ऑर्डर है क्योंकि पश्चिम बिहार का है। जो गिफ्ट वाले ऑर्डर होते हैं वो फिर रेस्टोरेंट से पिक करो, रेस्टोरेंट पे ही ड्रॉप करने वाला होता है, उसमें किलोमीटर 0 होते हैं, लेकिन ये है कि 40 रुपये मिल जाते हैं। तो ये तो जेन्युइन कस्टमर का ही ऑर्डर है, तो ऑर्डर पिक कर लेते हैं हमारा फटाफट से। वही जेन्युइन कस्टमर का ही ऑर्डर है, तभी 3 आइटम है इसमें। चिकन कीमा कश्मीरी कुलचा, पेरी पेरी चिकन सैंडविच, सोया चाप मसाला कश्मीरी कुलचा। अरे वाह, ऑर्डर शायद टाइम लगाएगा ये भैया, ये ऑर्डर है मैजिक पिन का 5-7 मिनट। कोई बात नहीं, लगा लो आराम से। चलो ऑर्डर रेडी होने का वेट करते हैं, मैं तो कह ही रहा था टाइम लगेगा। लो भैया आज का फर्स्ट ऑर्डर पिक हो गया हमारा, और ये जाएगा रजौरी से पश्चिम बिहार। कितने किलोमीटर का है भाई? 4-5 का तो होगा आराम से, जिस हिसाब से अर नहीं दिखा रहा था। 4.8 दिखा रहा है। शॉर्टकट भी है क्या कोई? है तो सही, बीच में शॉर्टकट एक। चलो भैया आज का फर्स्ट फूड का ऑर्डर ड्रॉप करते हैं फटाफट से। 101 कहाँ है भाई? ये रहा।
मैं इसका OTP बता दूंगा। अरे गेट बंद कर लिया। 663 3 4 डिजिट का होगा भैया। हाँ 63 ठीक है भैया। बाहर ही निकल रहा था। राइट पेमेंट लो भैया, ऑर्डर डिलीवर हो गया। 106 रुपये कितने मिल गए हमें, 59.60 प्लस 15 75 रुपये, 74 रुपये मिल गए इस ऑर्डर में। 106 रुपये की अर्निंग हो गई हमारी आधे घंटे में, बढ़िया है अभी तक तो। अब हम पश्चिम बिहार आ गए। ऑटो क्लिकर को दोबारा से चालू करके सेट कर लो ताकि आए तो ऑर्डर हमारे पास फटाफट आ जाए। फूड क्या है, बाकी रिटर्न की कोई बाइक टैक्सी मिल जाए यहाँ से, जनकपुरी वगैरह की लेके भग जाऊँगा मैं तो, वहीं काम करेंगे क्योंकि वहाँ फूड के ऑर्डर काफ़ी होते हैं यहाँ के मुकाबले। लेकिन यहाँ राइडर भी ज़्यादा हैं, यहाँ ऑर्डर आएगा तो ईजिली एक्सेप्ट हो जाएगा। तो चलो कोई और ऑर्डर आता है तो दिखाता हूँ मैं आपको। OTP बताना मैम इसका। 1567 विष्णु गार्डन। हाँ बैठी मैम। 4.7 खुला हुआ है मैम इस पर। 10 मिनट। 3.7 चलो भाई ड्रॉप करें इनको। चलो भाई एक और राइड कंप्लीट करते हैं, देखते हैं कितने रुपये देता है। आया तो 3 किलोमीटर ही हूँ। 55 रुपये ले रहा है। 55 में से हमें कितने देगा ये, शायद 10 रुपये पुराना डी होगा कोई। ठीक है लो भाई अब डिलीवर मार करते हैं। 55 में से हमें कितने दिए, 47 रुपये दे दिए 4 किलोमीटर के, लेकिन मैं आया 3 किलोमीटर ही हूँ। और कस्टमर से इतना पैसा किस लिए लिया, पेड थर्ड पार्टी 8 रुपये। भाई समझ नहीं आया, 8 रुपये थर्ड पार्टी को दे दिए। चलो भाई बढ़िया दे दिए तो, GST कट गया। तो भाई एक घंटे में हमारी 2 राइड 1 फूड कंप्लीट हो गया, 150 रुपये की अर्निंग हो गई। और हम आ गए वापस से, थोड़ा आगे चल के तिलक नगर आ जाऊँगा बस, पश्चिम बिहार से आ गया। अब यहाँ फूड ही फूड के ऑर्डर करेंगे। और अभी 1 घंटा हुआ है ना, आज देखना अब मैं कितनी जल्दी 1000 कंप्लीट कर लूँगा मेरी अर्निंग, बहुत जल्दी कर लूँगा क्योंकि इंसेंटिव बहुत तगड़ा है। तो चलो कोई राइड आती, अरे क्लिकर ऐप आ गई हमारी, वो तो लॉगिन कर ले। हाँ अब ठीक है, सबसे पहले ऑर्डर मिलना चाहिए भैया, तभी तो जल्दी फ्री होंगे हम। चलो कोई और फूड का या बाइक टैक्सी की राइड पिक करता हूँ तो दिखाता हूँ मैं आपको। क्या हो गया, क्यों सरदार को गालियाँ दे रहा है, अब भग गया। गालियाँ ऐसे ही सिर भाग गया, रुका ही नहीं, रुक नहीं रहा, भाग गया। ऐसे लड़ाई झगड़े बहुत चलते रहते। मैंने यार पाजी को क्यों गालियाँ दे रहा है, पीछे जाके देखू तो सही, 10 रुपये कम दे गया था। जैसे ही हम आए तो भाग गया वो बंदा सामने की साइड। अभी एक राइड आ रही थी, दिखाऊं क्या? और राइड के साथ साथ एक चीज़ और बताता हूँ, इसका प्लेटफॉर्म फीस ओला का क्या है भाई, 2 दिन से 20-20 रुपये काट रहा है। देखो एक बार पहले प्लेटफॉर्म फीस दिखाता हूँ फिर राइड की बात करेंगे। देखो आज प्लेटफॉर्म फीस काटी इसने, जो मैंने कल काम किया था तो आज इसने काटे हमसे 10 रुपये लिए प्लेटफॉर्म फीस के। चलो ठीक है आपने 10। और फूड का ऑर्डर आ रहा है विष्णु गार्डन, हट जाओ। क्लिकर ऐप देखो अपने आप ऑर्डर एक्सेप्ट हो जा, छू मंत्र काली कलंतर। और ये बुकिंग एक्सेप्ट, हाथ भी नहीं लगाया राजकुमार ढाबा से। अरे यार वो मैं दिखाता आपको जो दिखा रहा था प्लेटफॉर्म फीस, चलो स्क्रीनशॉट लगा दूंगा मैं। तो भाई 2 दिन से 20-20 रुपये ले रहा है हमसे ओला प्लेटफॉर्म फीस के नाम पे, और आज फिर 10 रुपये काटे हैं। तो भाई प्लेटफॉर्म फीस 10 रुपये है, 20 रुपये है, और जो कंपनी की नोटिफिकेशन आई थी तो उसमें तो बोल रहा था कि प्लेटफॉर्म फीस हम आपसे 10 रुपये लेंगे, लेकिन 2 दिन से ये 20 रुपये ले रहा है। और कईयों के में 12.5 रुपये भी माइनस हुए हैं प्लेटफॉर्म फीस के नाम पर। तो भाई ओला की प्लेटफॉर्म फीस क्या है भाई, एक बार क्लियर तो कर दो। ऊबर की तो है 25 रुपये फिक्स है, ना कम ना ज़्यादा। ओला की 10 थी, हम सोच रहे थे चलो बढ़िया है ओला की 10 ले रहा है, ऊबर से तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसने 20 कर दी। अब 20 से कभी ये 50 कर दे, कोई भरोसा नहीं है। कंपनियां जब पैसे बढ़ाएंगी ना तो उसका नोटिफिकेशन नहीं देंगी, लेकिन जब कम करेंगी ना तो उसका महिमा मंडम ऐसे करती हैं भैया, सारी दुनिया में ढिंडोरा पीट देंगी हमारी कंपनी सबसे बेस्ट। और जब 10 रुपये बढ़ाए किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, कब बढ़ा दिए 10 के 20 रुपये, कितने बंदों के काट लिए। और भाई तुम्हारे पास 1000 राइडर भी है दिल्ली दिल्ली में, तो 1000 के तुमने 10 रुपये बढ़ाने का मतलब है 10,000 रुपये सीधे सीधे गायब कर दिए तुमने। और पता नहीं पूरे देश में तो कितने लाखों राइडर होंगे,
तो कंपनियां भाई 10-10 रुपए से भी कितना लाखों रुपए कमा लेती है, अपन को तो कोई पता ही नहीं। जैसे जोमेटो प्रॉफिट में क्यों आई, प्लेटफॉर्म फीस 2 रुपए बढ़ाई, क्योंकि पता है भाई हमारे पास करोड़ों कस्टमर है। अब करोड़ों कस्टमर से 2 रुपए ले भी लिए, एक कस्टमर से अगर 2 रुपए ले लेगा उसको क्या फ़र्क पड़ रहा, लेकिन जब 10 करोड़ कस्टमर से 2 रुपए लिए तो 20 करोड़ रुपए हो गए। 20 करोड़ रुपया क्या होता है भाई। तो भाई कंपनियां ऐसे पैसा कमाती हैं तगड़ा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। बड़ी बड़ी कंपनियां शुरू में लॉस करती है ना, शुरू में लॉस इसलिए करती है, वो एक बार अपना बेस बना रही होती है, एक बार कस्टमर बेस बन जाए उसके बाद ये 10-20 रुपए बढ़ा के भी इतना पैसा कमा लेती है कि अपन सोच भी नहीं सकते कितना पैसा कमाती है। तो भाई ये है कंपनियों का। और एक मेरे को मैजिक पिन की भी बात करनी थी, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, उसके लिए मुझे लगता है एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी कि मैजिक फ्लीट में जो राइडर काम कर रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए, वो मैं फिर सेपरेट वीडियो में बात करूँगा। इस वीडियो में करूँगा ना तो सारा मिक्स हो जाएगा। तो हमारा फूड का ऑर्डर आ गया, सेकंड फूड का ऑर्डर है, तो इसको पिक करते हैं फटाफट से। भैया आलू पालक ऑर्डर है, एक मैजिक पिन। राजकुमार जी ऑर्डर दे दो हमारा आलू पालक। हो गया, कर लो पिकअप। अरे वाह, लो भाई ऑर्डर पिकअप हो गया हमारा। और ये ऑर्डर कितने किलोमीटर है, 2.4 विष्णु गार्डन। चलो भाई ड्रॉप करेंगे इसको। ओ कैमरा है, कैमरा आ जा भैया। ऑर्डर हमारा क्या हो गया अंकल जी? अरे कुछ नहीं हुआ, होना क्या, कुछ तो हुआ है। दे दो भैया ऑर्डर आलू पालक। एक्सेप्ट हो गया भैया ऑर्डर हमारा। 2762 ठीक है भैया, ले लो थैला। लो भैया एक और फूड का ऑर्डर हमारा कंप्लीट हो गया, और इसमें मिल गया हमें 50 रुपये 2 किलोमीटर के। और ये क्या आ रहा है, 24 किलोमीटर के 157 रुपये। बहुत अच्छी बात है, आ गया थैला। यार ये थैले वाले सिस्टम ना, आए इतना सही लगता है मुझे सिस्टम। ले लो भैया। तो भाई 2 फूड 2 राइड कंप्लीट हो गई हमारी। विष्णु गार्डन आ रखे हैं अपन, फ्लो बढ़िया चल रहा है काम का। और एक राइड आते ही मेरी कमाई कितनी हो जाएगी तुम सोच भी नहीं सकते। पता है क्यों? क्योंकि जो मेरा वीकली वाला इंसेंटिव है ना, उसमें मुझे बस एक राइड करनी है। 69 हो गए, 70 राइड पे ये 600 रुपये दे रहा है 70 राइड पे। तो 600 ये प्लस अर्निंग, मतलब ये लगा लो 850 रुपये की अर्निंग हो जाएगी मेरी एक और राइड करने के बाद। और ये 31 रुपये की राइड आ रही है 2 किलोमीटर। पिकअप ना होता, पिकअप छोटा होता ना तो ये राइड मैं ले लेता, लेकिन ये पिकअप लंबा है। छोटी राइड में करता हूँ भाई, 2-2, 3-3 किलोमीटर वाली राइड में हमेशा करता हूँ, क्योंकि उससे क्या है इंसेंटिव के लिए राइड कंप्लीट होती है, राइड काउंट बढ़ता है। तो वो राइड काउंट बढ़ाने के लिए ना मैं छोटी राइड करता हूँ अर्निंग के लिए। फूड वाले एक और फूड का ऑर्डर है नारायणा का। नहीं भैया नारायणा नहीं जाना, इस सर्कल को सेट कर लिया करो, जैसे अब बिल्कुल सेट है। एक्सेप्ट प्ले करते ही एक्सेप्ट हो जाएगा, और अपनी मनपसंद ऑर्डर उठाएंगे अपन, तभी तो अपन इसमें काम कर रहे हैं भाई। ओला में नहीं तो जोमेटो ना करते। अगर गुलामी करनी होती किसी कंपनी की, कहीं भी फेंक रहा है फुटबॉल की तरह, नचाता है यहाँ से लात देता है वहाँ पचक जाओ, वहाँ से लात देगा कहीं और, कभी नजफगढ़ कभी गुड़गांव तक भेज देता है जोमेटो। यार छोटा सा जोन है, उस जोन में ही रखो। तो मैं हूँ यार विष्णु गार्डन, मैं सोच रहा हूँ एक वापस वहीं चला जाऊँ राजकुमार ढाबा के आसपास, वहाँ से ही ऑर्डर लूँ। आगे तो ट्रैफिक हो रहा है काफ़ी, तो चलो कोई राइड या ऑर्डर पिक करता हूँ तो दिखाता हूँ मैं आपको। भाई कहीं जाना ही नहीं पड़ा मुझे, तो यहाँ मैं खड़ा था वहीं से फूड का ऑर्डर है। बस यार ये ट्रैफिक से बचना पड़ेगा, सामने सेठी रेस्टोरेंट से ऑर्डर है, और यहाँ से नगर कीर्तन निकल रहा है भाई। गुरुपुरब था भी 2-3 दिन पहले, लेकिन ये क्या छोटे छोटे जो गुरुद्वारे होते हैं ना उनका नगर कीर्तन। अरे अंकल जी मैं नगर कीर्तन दिखा रहा हूँ, ये सामने आ रहा है गाड़ी के। तो छोटे छोटे गुरुद्वारे अपने हिसाब से नगर कीर्तन निकालते रहते हैं। बाकी हमारा सेठी रेस्टोरेंट से ऑर्डर आ गया, सेठी रेस्टोरेंट सामने ही है। ऑर्डर देखते हैं रेडी है कि नहीं। तो नगर कीर्तन की वजह से ना यहाँ ट्रैफिक जाम हो गया, नहीं तो यहाँ होता नहीं है। चलो हमारा ऑर्डर पिक कर लेते हैं फटाफट से। ऑर्डर रेडी हो रहा है हमारा, नगर कीर्तन ही दिखा रहे यार, नगर कीर्तन निकल रहा है ऐसा। सही है, वैसे तो जाना हो नहीं पाता, नहीं तो पहले मैं बहुत ज़्यादा था यार नगर कीर्तन में गुरुद्वारे सेवा कराने। अब तो यार लाइफ ही चेंज हो रखी है। विष्णु गार्डन में निकल रहा है भाई ये नगर कीर्तन, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और भी आ रहे क्या, घोड़े ही घोड़े आ रहे हैं, बच्चे बैठे हैं घोड़े पर। गुरुद्वारा एक ही गुरुद्वारा बन रहा है एक सामने, बस इतना सही है क्या नगर कीर्तन? 4 घोड़ों में ख़त्म भी हो गया, मेरे को लगा बहुत बड़ा होगा। 4 घोड़े और रिक्शा बस। यार हमारे टाइम में नगर कीर्तन निकलता तो भाई इतना लंबा होता है, पता नहीं शुरू कहाँ से होता है और ख़त्म का तो पता ही नहीं लगता, ख़त्म हुआ भी नहीं।
वो ये छोटे छोटे गुरुद्वारे होते हैं ना, तो उनका ऐसा ही होता है। बाकी जो मेन नगर कीर्तन निकलता है मेन रोड से, वो तो बहुत बड़ा होता है। ऑर्डर रेडी नहीं है यार, ऑर्डर रेडी कर दो जल्दी। 5 ऑर्डर हो जाएंगे, इसके बाद मैं घर भी चला जाऊंगा तो मेरी अर्निंग बढ़िया हो जाएगी, क्योंकि मेरा वीकली इंसेंटिव कंप्लीट हो जाएगा। वेट ही कर रहा हूँ यार, देखो कितनी देर में देते हैं हमारा ऑर्डर। 23:47 पिक कर लिया है ना। लो भाई ऑर्डर मिलने में 15-20 मिनट लग गए। और भाई अभी मैं बोल रहा था ना नगर कीर्तन इतना सही है, भाई वो ट्रैफिक में फंस गया था, उसके बाद जो कारें आई हैं नगर कीर्तन की भाई, और ये गतका चल रहा है, ओ भाई साहब बहुत लंबा है ये तो। वही मैं कहूँ नगर कीर्तन जब निकलता है ना बड़ा लंबा होता है, मतलब काफ़ी पब्लिक होती है, बहुत भीड़ होती है, इतनी जल्दी वो नहीं होता जैसे मैं दिखा रहा था कि 4 घोड़ों में ही। भाई अभी तो बहुत लंबी लाइन है, और कहाँ तक तो अंदर चला गया, जब से वेट कर रहा हूँ मैं ऑर्डर का तब से जा ही जा रहा है। चलो हमारा 2.5 किलोमीटर का ड्रॉप है, हमारा ऑर्डर डिलीवर करते हैं और इस ट्रैफिक से भागते हैं। पहले तो बहुत ट्रैफिक हो रहा है भैया, निकल पाएंगे क्या हम? निकल तो जाएंगे, आंटी थोड़ा खिसके तो। चलो ऑर्डर डिलीवर करके मिलते हैं। तो भाई 5 प्यारों के दर्शन कर लो, यहाँ से निकल रहे हैं ना करके। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, सही है। आज नगर कीर्तन निकाल रहे हैं लोकल विष्णु गार्डन रजौरी वाले, हर जगह जाम हो रहा है अंदर अंदर। तो मेरे को इस साइड नहीं आना पड़ेगा, मतलब इस साइड नहीं आऊँगा मैं ऑर्डर लेके, क्योंकि फिर यहाँ ट्रैफिक हो रहा है हर जगह। मैं उस जनकपुरी की साइड ही काम करूँगा, काम करने में दिक्कत होती है यहाँ। चलो हमारा ऑर्डर डिलीवर करते हैं, 700 मीटर रह रहा है बस। 4348 यार, ये थैले वाला सिस्टम कितना अच्छा है, अपने आप जाएगा ये ऑर्डर, नाइस। लो भाई ऑर्डर डिलीवर करें हमारा आज का ये ऑर्डर नंबर 5। लो हो गया भाई कंप्लीट। 200, इसमें हमें 37 + 15 = 52 रुपये मिल गए, 254 रुपये की मेरी अर्निंग हो गई 5 राइड में 2 घंटे में, और मेरे 600 रुपये वाला इंसेंटिव कंप्लीट हो गया, यानी कि 600 और 250 850 रुपये कमा लिए मैंने मात्र 2 घंटे में। कौन सी ऐसी कंपनी है भाई जो 850 रुपये तो मैं कमा के दे रही है 2 घंटे में, प्लस कह रही है कि गाड़ी भी हमारी ले जाओ, पेट्रोल की भी झंझट नहीं, कोई मेंटेनेंस नहीं, ख़राब होती है तो हमारे पास ले जाओ हम ठीक करके दे देंगे। है कोई कंपनी? और हमारी कंपनी में काम भी करो तो अपनी मर्ज़ी से करो, ये नहीं कि तुम कंपनी की मर्ज़ी से कहीं भी भेज रही है ना, अपनी मर्ज़ी से काम करो। जहाँ का ऑर्डर लेना है लो, नहीं लेना छोड़ दो। जैसे अभी ये ऑर्डर आया मुझे नहीं लेना था, छोड़ दिया, 122 रुपये 18 किलोमीटर के, नहीं समझ आ रहा। तो भाई तभी मैंने जोमेटो में काम करना ना के बराबर ही कर दिया, मतलब वीक में 1 दिन, 7 दिन में 1 दिन, महीने में 4 दिन ही मैं काम कर पाता हूँ, 4 भी ज़्यादा ही है, तो एवरेज बता रहा हूँ, महीने में 4 दिन ही काम करता हूँ, उससे ज़्यादा काम नहीं करता। और यार मौसम कैसा हो रहा है, ऐसी धुंध हो रही है, सामने का तो कुछ दिख ही नहीं रहा, फॉग है, पोल्यूशन है, धुआं है, क्या है। एक और फूड का ऑर्डर आ गया, जनकपुरी से पिकअप है। लो भाई हमने लगा दिया अपना ऑटो क्लिकर और ऑर्डर हो गया एक्सेप्ट, हो गया ना, हो गया। देखो पंजाबी चस्का रसोई, तो भाई ऑटो क्लिकर से मेरे पास जो सेटिंग है ना, उस सेटिंग से अभी तक तो सुबह से काम कर रहा हूँ, एक भी ऑर्डर मिस नहीं हुआ, नहीं तो क्लिकर के बाद भी ऑर्डर तो मिस होते ही हैं, लेकिन अपने पास ऑर्डर मिस नहीं हुआ। तो चलो आज का हमारा ये ऑर्डर नंबर 6 आ गया है, फूड का 3rd ऑर्डर है, इसको पिक करते हैं फटाफट से। 3rd है या फूड, 6 हो जाएंगे ना, 2 राइड करिए, हाँ फूड का 4th ऑर्डर है, 3 फूड कर चुका है इससे पहले। तो चलो ऑर्डर पिक करते हैं, 1.5 किलोमीटर का पिकअप है। पंजाबी चस्का से ऑर्डर पिक करना है भाई हमारा, देखें ऑर्डर रेडी है कि नहीं। ये एक ही ऑर्डर है मैजिक पिन का, हाँ FBR है इसमें, हो गया पिकअप, ये सही है भाई, आते ही मिल गया ऑर्डर। अरे वाह ड्रॉप देख रहे हो, मात्र 550 मीटर का ड्रॉप है, ऐसे ऑर्डर में तो मज़ा आता है। बस पिक करने आया हूँ मैं, 1.5 किलोमीटर 500 मीटर ड्रॉप, यानी कि 2 किलोमीटर में हमें कितने रुपए मिल जाएंगे, 40 रुपये, और इंसेंटिव डेली वीकली वो चल ही रहा है। अब 10 राइड कर दूंगा तो 75 रुपये इंसेंटिव है, 12 करूंगा तो 120 है डेली वाला, 600 वाला तो मैं ले चुका, और 600 वाले के अलावा भी अगर ज़्यादा राइड करता हूँ तो उस पर भी है 120 राइड है। अरे कहाँ जा रहा हूँ मैं, आगे से जाना है, गाड़ी आ गया मेरी। तो चलो इस ऑर्डर को ड्रॉप करते हैं फटाफट से। भाई कार फ्यूज़न वाले को कौन कौन जानता है, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं। और ये देखो थैलका भाई की फ़ोटो पहले ही दिख गई, सारे यूट्यूबर यहाँ से फ्यूज़न कार वाले से गाड़ियाँ लेते हैं। ये देखो ऑडी खड़ी है, यहीं होते हैं सारे अनबॉक्सिंग गाड़ियों के जब ये लेने आते हैं ना, तो मैं भी यहीं रहता हूँ भाई तिलक नगर में, कार फ्यूज़न वाला है ये रेड लाइट के पास, तो मिल लिया करो भाई, बहुत सारे सेलिब्रिटी आते रहते हैं यहाँ पे। तो मेरा तो एक मन भी है कुछ करने का सेलिब्रिटियों से रिलेटेड, जो मैं कर नहीं पा रहा। तो कार फ्यूज़न वाले के पास यार काफ़ी बंदे, मैंने यहाँ वो देखी थी एक दिन, स्नेहा सचदेवा खड़ी हुई थी,
बच्ची सी ऐसी छोटी सी लग रही मेरी, ये कौन है टिंगनी सी। उसके बाद तो मुझे और कोई ज्यादा दिखा नहीं सेलिब्रिटी दिख, मतलब ये है कि लॉन्च होता रहता है वैसे भीड़ भीड़ लगी रहती है, रुका नहीं मैं कभी यहाँ। चलो भाई ऑर्डर डिलीवर करे, बस हो गया ड्रॉप, लोकेशन पे आ गए। 130 मीटर का ड्रॉप रह रहा है, इस गली में ही देना है कहीं। आगे तो नहीं आ गया, मेरे को लग रहा है मैं आगे आ गया भाई। ना ना सही जा रहा हूँ, सही जा रहा हूँ, घूम के आगे से देना है ऑर्डर। और बताए यहाँ ऑर्डर देना है ना, उस जहाँ से ऑर्डर ड्रॉप करूँगा उसके थोड़ा सा आगे एक रेस्टोरेंट है, क्या पता वहाँ से हमारा नेक्स्ट ऑर्डर भी आ जाए। चलो पहले कस्टमर को कॉल कर ले यार, क्योंकि लोकेशन पतली गली में दिखा रहा है, हो सकता है फ्रंट साइड में ना हो ड्रॉप लोकेशन। चलिए 5831 ठीक है भैया, थैंक यू। लो भाई हमारा आज का ये ऑर्डर नंबर 6 भी हो गया, पतली पतली गलियों में, लेकिन ये गलियां दुखी नहीं करती जितना उत्तम नगर वाली करती है। हाँ भाई ठीक है, हम नहीं ले रहे कस्टमर से कैश। 6 ऑर्डर हो गए, 294 लगभग 300 रुपये की अर्निंग हो गई हमारी। और टाइम क्या हुआ है, 3:10, 1 बजे काम स्टार्ट किया था, यानी कि 2:10 में हमारी 300 रुपये की अर्निंग हो गई, वो 150 रुपये घंटे चल रहा है। तो चलो भाई अब देखते हैं, 4 राइड करके जाता हूँ घर या पूरी 12 करके जाता हूँ, क्योंकि 4 और करूँगा तो 75 रुपये इंसेंटिव है, और 6 कर दूँगा तो वो 120 रुपये इंसेंटिव है। तो इंसेंटिव ज़्यादा के लिए, अगर राइड ऑर्डर फ्लो सही रहा ना, बैक टू बैक आती रही। ये 56 रुपये की राइड आ रही है, ये नाइजीरियन की राइड है, यहाँ तक विष्णु गार्डन से चंद्र विहार की लेते हैं इसको, अगर नाइजीरियन की। हाँ देखो फेवर नाम भी देखो, फेवर नाम है फेवर। तो चलो पिकअप है 2 किलोमीटर का, कैंसिल नहीं हुई तो इनको पिक करके चंद्र विहार छोड़ के आते हैं, क्योंकि रेट अच्छा दे रहा था 3 किलोमीटर के, शायद 45 रुपये या 50, नहीं हाँ 45 के आसपास ही था, भूल गया मैं। तो चलो इसको पिक करते हैं फटाफट से। भाई कॉल कर रहा हूँ, कॉल लग नहीं रहा, मेरे को लग रहा है इनकी राइड है। ओला नो यार, मेरे को लग रहा है राइड कैंसिल करनी पड़ेगी, कस्टमर का कॉल ही लग रहा है, बिजी बिजी आ रहा है, लोकेशन यहीं की है। कोई नहीं, ये टाइमिंग चल रही है ना, ये टाइमिंग ख़त्म हो जाए उसके बाद फिर कैंसिल कर देंगे, जब तक आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कैंसिल करेंगे। ये भी खड़ी है, पता ही नहीं आ रही है। चलो वेट करते हैं फिर, ये 1:48 ख़त्म होते ही कैंसिल करूँगा। कस्टमर आ नहीं रहे भाई, ओ मैसेज आया कस्टमर का, ओके भाई बड़ी जल्दी याद आ गई, मैं तो राइड कैंसिल करने वाला था, अब टाइम भी कंप्लीट हो गया, क्या करूं यार, वेट करूं या कैंसिल करूं, कस्टमर का था पता ही नहीं है। एक बार लास्ट फ़ोन लगा के देख लेता हूं, मैसेज तो कर दिया ओके, कहती है तो आती है टाइम से तो ठीक है, नहीं तो कैंसिल करेंगे यार। कॉल ही बिजी बिजी आ रहा है यार, समझ नहीं आ रही। बेकार तो रही है मोहतरमा नाइजीरियन, लाल बाल इतने लंबे, अब इसकी है नहीं है समझ नहीं आ रही, लग तो मुझे इसी की रही है, होगी तो ठीक है इसकी, नहीं तो फिर मैं कैंसिल कर दूंगा। नहीं है भाई नहीं है, छोड़ो यार कैंसिल करो, टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं, आ ही नहीं रही। सबमिट कस्टमर रिलेटेड डाल के लो भाई, बुकिंग कैंसिल। यार इतनी देर हो गई खड़े खड़े, आ ही नहीं रहा कोई, कॉल लग नहीं रहा। कैंसिलेशन चार्ज दे दिया ओला ने पहली बार तो नहीं लेकिन बहुत कम देता है, लेकिन दे दिया 4.5 रुपये। हाँ तो यार 5 मिनट वेट भी तो किया हमने। चलो यार अब लास्ट में मिलेंगे, देखते हैं कितनी और राइड करता हूँ, अभी 3:21 हो रहे हैं, एक राइड कैंसिल हो गई हमारी, 6 राइड हुई अभी तक, बाकी और कितना काम करके घर जाता हूँ वो फिर मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। A few moments later. लो भाई लास्ट ऑर्डर डिलीवर मार्क कर देते हैं हमारा भाई, 5:30 हो गए, 5:25। आलोक जी का ऑर्डर हो गया हमारा डिलीवर, 525 रुपये की अर्निंग। ये क्या नारायणा की राइड, आईडी बंद करते हैं भाई, 10 राइड करनी है, 5 करने आया था 10 हो गई भाई। 4.5 घंटे हमने काम किया, 51 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली है, 10 राइड कंप्लीट हो गई भाई, अर्निंग बहुत बढ़िया हो गई। मैं तो 5 राइड करने आया था, क्योंकि वीक वाले इंसेंटिव में 5 राइड कम थी, तो मैंने कहा यार 10 राइड वाला इंसेंटिव भी कंप्लीट कर लेते हैं, तो वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। 4.5 घंटे हमने काम किया है और 4.5 घंटे में 600 रुपये की अर्निंग हो गई, और टोटल अर्निंग, बाकी बातें अब घर चल के करते हैं। और ठंड हो रही है भाई, मैं स्वेट शर्ट पहन के आया हूँ, ये गर्म है ना, लेकिन भाई इसमें भी इतनी ठंड लग रही है, फॉग हो रहा है, ठंडी हवाएं चल रही है, जैसे शीतलहर चलती है ना सच में, और शीतलहर चल रही है। तो जो भी सुबह या शाम को, अब तो अगर दिन में भी सर्दी हो गई, तो जो भी जिस टाइम भी काम कर रहा है भाई, फुल पैक होके काम करो, जाकेटें वाकेटें जूते वूते ग्लव्स भी ले लो, मैंने भी ग्लव्स लेने हैं यार, सब कहीं पैक होके काम करोगे, ज़्यादा काम कर लोगे बीमार बीमार पड़ जाओगे, क्या फ़ायदा, तो ध्यान से काम करो। तो चलो टोटल अर्निंग और बाकी बातें घर चल के करते हैं।
A few moments later. लो भाई घर आ गए हम। आज तो भाई ओला में बहुत बढ़िया अर्निंग हो गई। मात्र 4 घंटे में हमारी 1200 रुपए की अर्निंग हो गई। और काफी कमेंट आ रहे थे कि ओला का प्लेटफॉर्म फीस क्या चल रही है, 10 रुपए कभी 20 रुपए। तो भाई आज वाली अर्निंग देख लो, मेरी 1200 रुपए की अर्निंग हुई थी, उसमें से प्लेटफॉर्म फीस लिया इसने 1250 रुपए। 1250 रुपए माइनस करके बाकी मेरी ये अर्निंग रह गई। तो भाई पता ही नहीं ओला का क्या इंसेंटिव सही है, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म फीस है किस हिसाब से ले रहा है। 10 रुपए डेली चल रहा था, 10 के बाद 2 दिन इसने मुझसे 20 रुपए लिया, और उसके बाद इसने आज 12 रुपए काटे जो मैंने कल काम किया था। तो भाई कल की अर्निंग बहुत बढ़िया थी, 1200 रुपए की अर्निंग हो गई। बाकी मैंने आज सुबह ऊबर में भी काम किया था, ऊबर की भी मेरी बढ़िया अर्निंग हो गई। तो अब नेक्स्ट वीडियो ऊबर पे ही लाऊंगा। कमेंट आ रहे थे भैया ऊबर की वीडियो बनाओ, तो कल मॉर्निंग में 3 घंटे फिर से हम ऊबर करेंगे और दिखाएंगे आपको ऊबर की अर्निंग। तो ये ओला की अर्निंग देख ली आपने, मजा आया, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट, कोई भी सवाल पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर देना, मैं हर कमेंट का जवाब दे दूंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी शानदार वीडियो के साथ। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते हैं।